यार बंदर के साथ कौन सेल्फी खिंचाएगा। 12 seconds later. घुटने से नीचे तक पूरा कवर होना चाहिए। सिर्फ कुता और चंगू जैसा जगह पे जाके एंजॉय मत करना, यहाँ भी आना और अपने कल्चर को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे ड्रेसेस भी आपको कितने क्यूट क्यूट से क्रोशे एंड मैक्रेमे मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। और फिर इसका भी अलग से टिकट, डजंट मेक एनी सेंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट आई गेस। ये राइस टेरेस इतना मुझे ग्रीन नहीं लग रहा है। सब्जी भर के दे दिया है। की रेटिंग के अनुसार इस जगह को मैं और 3 दूंगी, 2.5 या 3 रेटिंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू बीइंग रूमर्स। तो दोस्तों टुडे इज़ डे 6 इन बाली और आज हम जा रहे हैं सेंट्रल बाली टूर करने के लिए। तो राइट नाउ वी आर एट रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट करके हम निकलने वाले हैं और आज का हमारा स्टे है फायरफ्लाई में जो कि काफ़ी फेमस है। ओह माय गॉड, यू कैन सी दैट माउंटेन, क्या व्यू है यार यहाँ से। इस होटल को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा बट स्टिल जाना तो पड़ेगा। या तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट इज ऑल रेडी एंड आ गया है। देखो कितना सही टेम्पटिंग खाना दिख रहा है यार, जस्ट लुक एट दिस पैनकेक। फ्रेंच टोस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे स्क्रैम्बल एग है, ये जिंजर टी है दिख के लिए, मैंने अभी फिनिश किया मेरा कॉफी, बहुत सही था यार। पैनकेक है, नीरज यू मस्ट बी मिसिंग दिस राइट नाउ, दिस इज रियली अमेजिंग, मजा ही आ रहा है यार। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे सेंट्रल बाली टूर के पहले पॉइंट पे जिसका नाम है मंकी फॉरेस्ट। बहुत कुछ सुना यार मंकी फॉरेस्ट के बारे में और अब हम देखते हैं मंकी फॉरेस्ट कैसा रहता है। तो गाइस कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे ड्राइवर ने हमको दिए हैं कि आप अपने गॉगल्स को बाहर ना निकालें क्योंकि दे विल स्नैच योर गॉगल्स, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे मंकी ट्रेंड भी होते हैं कुछ पैसा वैसा लेने के लिए, राइट। तो अपने बैग्स प्लीज़ बचा के और अपने गॉगल्स या फिर कोई भी ऐसी लूज आइटम्स जो कि बाहर लटक रहे हैं उसको बचा के। मंकी जो होता है वो आपका ले लेता है, फिर आपको एक वहाँ पे लोकल टूर होगा ऑपरेटर का, उसको बोलना पड़ेगा पैसा कि देगा। आप क्या नाम है हमारी चीज़ वापस ले आओ, तो उसके वो पैसे लेगा। दैट्स हाउ दे आर ट्रेंड। तो आज हम आज के दिन में जो क्लुक से ऑर्गेनाइज ट्रिप है हम लोग घूमने वाले हैं मंकी फॉरेस्ट। प्राइस आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पे। तो बताओ क्या घूमने वाले हैं, पहला मंकी फॉरेस्ट है, दूसरा क्या है? तेगुनन वाटरफॉल है, राइस टेरेसेस जाने वाले हैं और एक और कोई टेम्पल है तो वहाँ भी हम जा रहे हैं। तो वी विल वॉक यू थ्रू दिस एंटायर टूर, अच्छे से आपको दिखाने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आ गए हम लोग मंकी फॉरेस्ट में और ये रहा इन्फॉर्मेशन सेंटर जहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो। गाइस एक टिप आपको दूंगी, आपके पास ट्राइपॉड होगा तो आप अंदर मत लाना, ट्राइपॉड, सनग्लासेस, टोपी, आई मीन द कैप, ऐसी कुछ भी चीजें जो मतलब स्नैचेबल हो, जो मतलब स्नैच कर सकता है मंकी, वो मत लाना। तो हमारे गाइड भाई ने टिकट खरीद लिया है एंड वी आर ऑल सेट टू गो। यप गाइज, यहाँ पे आप एक और चीज़ भी कर सकते हो जो कि ऑब्वियसली आपने हर जगह देखा होगा, मंकी सेल्फीज, आई मीन सेल्फीज इज द मंकी, सो दैट्स हाउ यू टेक इट। जो बंदा है वो कुछ उसको खाने को देगा एंड वहीं पे देगा जहाँ पे कैमरा है, सो ही विल एक्सटेंड हिज हैंड टू गेट द फूड एंड जैसे ही विल एक्सटेंड द हैंड वैसे ही वो क्लिक करेगा एंड दैट्स हाउ द मंकी सेल्फी इज टेकन। एंड यहाँ पे आप ले सकते हो, बट इसका चार्ज है दैट इज 50,000 IDR जो कि मतलब लगभग 250 से 300 रुपये होगा इंडियन करेंसी में, बट आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट, क्योंकि अगर हम लोग ऑलरेडी टिकट ले तो ये सब भी इंक्लूडेड होना चाहिए मेरे ख्याल से। और फिर इसका भी अलग से टिकट, डजेंट मेक एनी सेंस, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू इट आई गेस। पता नहीं, अगर हम लोग को टेम्पटिंग लगा तो बाद में ले सकते, नहीं करेंगे। चलो यार बंदर के साथ कौन सेल्फी खिंचाएगा। बट ये सेल्फीज बहुत कूल आई हुई मैंने देखा है पिंटरेस्ट में, बहुत कूल। ला तेरे से सेल्फी खींच रहा हूँ ना मैं, और क्या चाहिए, फ्री में हो गई। चलो गाइस 12 seconds later So guys, we end up taking the photos with the monkeys
टेम्पटिंग तो था भाई, मतलब मन कर रहा था यार कि जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो यार 250 रुपए में क्या ही है, मतलब हम लोग 250 का टिकट लेके बोलूंगी कि इतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, इतना वर्थ इट नहीं है 250 रुपए, ऑब्वियसली इट मैटर्स फॉर अस, बट ठीक है यहाँ आए हैं तो मंकीज का प्लेस एग्जैक्टली कि एक्सपीरियंस तो मतलब आप कर सकते हो। गाइस ये आदमी है जो बंदरों को खाना खिलाने के लिए बुला रहा है। यहाँ पे है शकरकंद, मक्के, कितने सारे मंकीज आ गए गाइस खाना खाने के लिए। देखो दो दो लेके बैठा है लालची बंदर। दोस्तों देखो एक यहाँ पे छोटा सा कनाल जैसा बनाया हुआ है और देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारी अमृतसर से मछलियाँ आके तैर रही हैं। गोल्डन टेम्पल की सारी मछलियाँ लगता है यहाँ पे आ रही हैं। यहाँ भी देख सकते हो बहुत सारे फिशेज हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ, और ये मैडम जो इनको खाना खिला रही हैं। ओह माय गॉड। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, सो या लेट्स गो। और आप देख सकते हो इस गुफा के अंदर हमें जाना पड़ता है। सो गाइज अभी ने अभी कैब खरीदी एंड फॉर 50,000 IDR जो मैं दिखाता हूँ पहनते कैसे हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं तेगुनन वाटरफॉल और रास्ते में आप देख सकते हो ढेर सारे शॉपिंग ऑप्शन भी हैं यहाँ पे, तो लेट्स गो। देख बताओ यार क्या क्या है, कुछ कुछ लेना है। हाँ ढेर सारे बैग्स हैं और काफी सारे शॉप्स लगी हुई हैं। Nice. तो गाइज वो है वाटरफॉल दिख रहा है आपको, और सीढ़ियाँ कुछ ऐसे चढ़नी पड़ेंगी, मतलब नीचे उतरनी पड़ेंगी। वाव ये फोटो स्पॉट कितना प्यारा। स्पॉट है तीर्था एम्पुल टेम्पल और इसका कॉस्ट 100,000 rupees है दो लोगों के लिए। ड्राइवर कम गाइड भाई ने परचेज ऑलरेडी किया हुआ है। सो हम आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ी नींद आ रही है, सो बट या दैट्स टोटली फाइन, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द टेम्पल। सो यहाँ पे जो है आपको सराउंड दिया जाएगा जो कि आपको कवर करना है नीज एंड शोल्डर्स टू रेस्पेक्ट देयर कल्चर, वो आपको फ्री में मिलेगा। थोड़ा आगे जाते हैं हम आपको दिखाएंगे। यप सो लेट्स एक्सप्लोर द टेंपल एंड वी विल शो यू अराउंड। दोस्तों कुछ नियम है यहाँ पे टेंपल में एंटर करने से पहले, आप पढ़ लो यहाँ पे। सेम ड्रेस पहनना पड़ेगा, शॉर्ट या लॉन्ग ड्रेस पहनना पड़ेगा। आप बांध लो, गर्ल्स को पीरियड्स में अलाउड नहीं है, नहीं पहनना है। डू नॉट क्लाइंब ऑन द ओके, जाओ फिर जाके अपने लिए तुम लुंगी खरीद लो। लोग यहाँ पे लाइन में लग के अपने लिए ये खरीद रहे हैं। सो बेसिकली ये सारोंग है और इसी को आपको टाई करना है क्योंकि घुटने से नीचे तक पूरा कवर होना चाहिए, जस्ट लाइक वियरिंग लूंगी इन इंडिया।
तो यप आई थिंक दैट्स द ट्रेडिशन ऑल सेट नाइस दे आर लुकिंग लाइक अ बालिनीज गर्ल नाइस गाइज वेलकम टू तीर्था एम्पल. सो बेसिकली तीर्था एम्पल का मतलब ये है, तीर्थ मतलब तो आपको पता ही है जो हिंदुओं में तीर्थ होता है, एम्पल का मतलब अमृत होता है. तो दोस्तों ये टेम्पल 1954 में यहाँ के प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया था. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को यानी नारायण भगवान को. और यहाँ पे जो पानी आता है काफ़ी होली मानते हैं और ये बाली के होलीस्ट पॉइंट से आप मतलब जगह में से एक है जहाँ पे लोग आके अमृत स्नान करते हैं और ये जगह काफ़ी फेमस है. तो यहाँ पे रिचुअल्स है ये सारोंग पहनने का और आप देख सकते हो इस टेम्पल को, इट्स रियली ब्यूटीफुल. और लॉर्ड इंद्र ने इस पानी को बनाया है और यहाँ से होली स्प्रिंग आ रहा है. गाइज हम लोग नहा नहीं रहे इसमें क्योंकि हम लोग को दोनों को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, बट हम लोग पानी छिड़क ले रहे हैं क्योंकि सिग्निफिकेंस है, वी आर हिंदू सो ऑब्वियसली एग्जैक्टली हम लोग मानते जरूर है. बहुत कोल्ड हो रखा है, अदरवाइज डेफिनेटली हम लोग करते ही है. सो यहाँ पे एक और स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारी रेड फिशेज है. चलो लेट्स गो. Wow. Look at this guys, I mean, this is amazing. हर जगह लग रहा है हिंदू गॉडेस है का मतलब पानी. Look at that. Wow, fishes देख रहे हो guys? इतने सारे fishes हैं यार. तो दोस्तों देख सकते हो कितनी सारी मछलियाँ हैं. माई गॉड, थोड़ा दाना वाना खिला सकते हो. हमने एक दो दाना खिलाया यार. ऐसा लग रहा है ऑरेंज फिशेस की मतलब पूरी खदान है यार. और ऐसा बिल्कुल गोल्डन टेंपल वाली वाइब आ रही है. और देख सकते हो हर जगह देवी देवताओं का स्कल्पचर है और वो मतलब अपने घड़े से उनके पानी निकल रहा है. क्या वाइब है यार. आई मीन आप देख सकते हो जस्ट लाइक आवर ऑल हिंदू कल्चर, दिस इज रियली अमेजिंग. सो गाइस डेफिनेटली आई मीन अगर आप बाली आ रहे हो तो सिर्फ कुता और चंगू जैसा जगह पे जाके एंजॉय मत करना, यहाँ भी आना और थोड़ा सा अपने कल्चर को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो. दैट्स रियली नाइस. क्या स्कल्पचर बना है दोस्तों, आप देख सकते हो यार, मज़ा ही आ गया. मतलब परदेश में देश वाली फीलिंग आ रही है यार. एग्जैक्टली इवन दरवाजों पे आप नक्काशी देख सकते हो, इतना बढ़िया करा गया है. So everything is so amazing, guys. Yes, मज़ा आ गया. तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर और ओए रिटर्न करना है हमें. आ जाओ रिटर्न क्लोथ. सो ये जो लुंगी हमने पहना था सारोंग. So guys अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हमने सारोंग जो है वापस कर दिया है. हाय. तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं as you can see. तो बहुत सारे ड्रेसेस भी आपको कितने क्यूट क्यूट से क्रोशे एंड मैक्रेमे मिल जाएंगे यहाँ पे आपको ड्रीम कैचर. तो गाइज यहाँ पे आप शॉप कर सकते हो बहुत अच्छे अच्छे बैग्स हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि यहाँ पे जो शॉप्स है उस पर एक्सपेंसिव रहेंगे. नेगोशिएट यहाँ पे करना पड़ेगा. जो चीज़ आपको उबुड मार्केट में 100,000 आइडिया का मिलेगा, यहाँ पे आपको 2,000 आइडिया का मिलेगा. So, गाइज हम लोग
तीर्था एम्पुल से निकल के आ गए हैं अमेरथा जंगल विला एंड रेको में। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वारुंग टाइप, तो वहाँ पे हम लोग तो हम लोग वहाँ पे कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है यार। बट दिस प्लेस इज सच अ नाइस प्लेस, काफ़ी अच्छा वाइब है, पर जो है मौसम थोड़ा सा ओवरकास्ट हो चुका है। ये तो कल वही वाला म्यूजिक चल रहा है ना। आइए मैडम। सो गाइस हमारा लंच आ चुका है, हमने ऑर्डर किया था, क्या ऑर्डर किया था हमने? स्प्रिंग रोल और ये फ्राइड राइस है विद टोफू और कुछ सैलेड। तो खाना तो काफी अच्छा लगा, इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है, बट काफी स्मॉल क्वांटिटी में इन्होंने दिया है। और इसका प्राइस था कितना? 45 के। अब खाना एंजॉय करते हैं गाइज। हमारी प्लेट देख रहे हो पूरा सफ़ा चट हो चुकी है और बिल आ चुका है। मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए। हमारा फ्राइड राइस आपको पहले बताया था मैंने 45 के, बट एक्चुअली है 75 के, हमसे गलती हो गई। और हमने वेज स्प्रिंग रोल मंगाया था जो कि 45 के का था, और उसका टोटल हुआ ऑब्वियसली 120 के। बट ये लोग हमेशा बहुत ज़्यादा सर्विस टैक्स लेते हैं, यहाँ पे 18,000 का सिर्फ सर्विस टैक्स लगा है। हमारा टोटल बिल आया 138 के। तो आप जहाँ भी जाओगे और कुछ और है, कोई भी वारुंग में जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्विस टैक्स देना पड़ता है। मोस्टली 22,000 भी रह सकता है, एंड कभी कभी एज लो एज 10K 12K, उस पर डिपेंड करता है कैसा वारुंग है। तो ये तो काफ़ी अच्छा था, इसका वाइब भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी सारे इट्स अ रेस्टोरेंट एंड अच्छे अच्छे यहाँ पे फोटो स्पॉट्स भी हैं एक दिल का एंड यहाँ पे, और ऊपर तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप ऊपर भी एक्सप्लोर कर सकते हो जाकर। सो या चलो चलते हैं फिर। हाँ, अभी हमारा जो स्टॉप है वो सेगलेलन राइस टेरेस है, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सेगलेलन राइस टेरेस। So guys, we reached Teglaglang Rice Terrace. ये हमें मिला है हाथ में बैंड बांधने के लिए। तो ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है Teglaglang Rice Terrace। मैं तो बोलता हूँ तेलंगाना, सिंपल से बात ना रहते हैं वहाँ बोलेंगे और तेलंगाना। So guys, this is one of the most famous rice terraces in Bali, and ये एक्चुअली नेचुरल नहीं है, इन लोगों ने सजा के रखा है सो दैट हम लोग सब पिक्चर्स ले सकें। बट अगर आपको रियल राइस टेरेस देखना है देन जटिल्यू इज़ द वन, यू कैन विजिट दैट। एंड अगर आप सेकंपल वाटरफॉल जा रहे हो वहाँ पे बहुत बड़ा एक राइस टेरेस है, वो भी बड़ा मजा आएगा वहाँ पे। सो लेट्स गो। सो वेलकम टू द बर्ड्स नेस्ट। तो दोस्तों काफी मजा आ रहा है इस पैडी फील्ड को एंजॉय करते हुए, आई मीन राइस टेरेसेस। या तो वाकई में टेरेसेस तो बने हुए हैं, बट आई थिंक ये मैन मेड ही लगते हैं। और अभी इसमें मतलब पैडी की खेती नहीं करी गई है, दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग लाइक लिटिल बैरन, मतलब इतना हरा भरा नहीं लग रहा है, बट एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड आई बिलीव। और ऊपर आप देख सकते हो सारे मतलब झूले लगे हुए हैं, और देखो लोग ऐसा दो लोगों के लिए भी है, एक लोग या सो टैंडम यू कैन डू सिंगल आल्सो। तो एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। अभी हम थोड़ा ड्रोन फ्लाई करते हैं और आपको दिखाते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। देख पा रहे हो गाइज आप कैसे वो हाथ से पकड़ के ही बस डाल रहे हैं राइस का छोटा छोटा बंडल। बट ये जो है ना, ये राइस टेरेस इतना मुझे ग्रीन नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली बात है, जैसे अभी ने पहले बताया कि ये यहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन नहीं करी गई है। बट अगर आपको रियल में राइस टेरेस देखना है तो गाइस और भी बहुत सारे राइस टेरेस हैं जो इतने ग्रीन है, एक्चुअली फील होते हैं बहुत सुंदर। यहाँ पे शेप्स अच्छी अच्छी दी गई हैं, जो शेप्स आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे शेप्स हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी है इसीलिए। और यहाँ पे आप ड्रोन लाओगे तभी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो।
दोस्तों ये था तेगांग लांगला तेगालालांग व्हाटएवर इट इज। अगर आप गांव में रहने वाले हो तो सच में आपने पैडी फील्ड देखा होगा। अगर शहर में रहने वाले हो तो ठीक है, आई मीन दैट कुड बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर यू, बट आई थिंक ये जगह थोड़ी और अच्छी लगती है अगर यहाँ पे पैडी फील्ड्स होते, हरे भरे, मजा आता। मगर हाँ, अगर बिना ड्रोन के अगर आप आ रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ व्यू आप यहाँ पे कैप्चर देख सकते हो, बट एक्सप्लोर करने के लिए ठीक है। यहाँ पे स्विंग लगा सकते हो, एक्टिविटीज है जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये बीइंग रूमर्स की रेटिंग के अनुसार इस जगह को मैं और 2.5 या 3 रेटिंग, दैट इज द मैक्स। तो ये था हमारा ट्रिप आज का, जो सेंट्रल बाली का टूर यहाँ पे खत्म होता है और अब हम जा रहे हैं अपने होटल। सो आगे की जर्नी के लिए स्टे ट्यून। तो दोस्तों वेलकम टू फायरफ्लाई इको लॉज। जैसा कि आपने नेटफ्लिक्स में अगर आपने देखा होगा, ये वर्ल्ड का मोस्ट अमेजिंग रेंटल है। प्रॉपर्टी इतनी सुंदर, अमेजिंग वेकेशन रेंटल्स, ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है कि हमारे बकेट लिस्ट में बहुत दिनों से थी एंड फाइनली वी आर हियर एंड वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 10 मिनट्स का वॉक लगा और वो बिल्कुल राइस टेरेसेस के बीचों बीच था। तो इट्स रियली नाइस, और देख सकते हो कितना अच्छे से डिजाइन किया गया है। वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड एंड वी आर हियर फॉर लाइक 2 नाइट्स। And my personal favorite is that corner. Look at that corner, guys. French vibes are here. French, after Italian vibe. Yeah, it's really nice. And the pool is here. Yeah. The pool is over here. And we have a Frida Kahlo painting over there. यहाँ पे एक sitting area है. बहुत ही प्रिटी है गाइस, बहुत ज्यादा। अभी तो ये सिर्फ लॉबी एरिया है, दिस इज द लॉबी एरिया। हम आपको सुबह दिखाएंगे कि एक्चुअली हम लोग रह कहाँ रहे हैं और ये जगह क्यों फेमस है वो हमको आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारा डिनर आ गया है और हमने ऑर्डर किया है पास्ता सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज और ये स्प्रिंग रोल। स्प्रिंग रोल तो ऐसा लग रहा है, मोमोज लग रहा है, सब्जी भर के दे दिया है। तो गाइज अब हम लोग आज का दिन फिनिश करते हैं क्योंकि हमने होटल में ऑलरेडी चेक इन कर लिया है। काफी अच्छा हमारा विला, और हमारा विला इज वेरी गुड। कल आपको हम लोग क्विक रूम टूर देंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइज। आई होप आपको हमारा ब्लॉग देख के आज मजा आया होगा डे 6 का, और आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। टिल देन बाय बाय, सी यू सून। तो दोस्तों अभी हम लोग बस अपने रूम पहुंचने वाले हैं और रात के बज चुके हैं 9। डिनर करने के बाद हम लोग बिल्कुल मून वॉक कर रहे हैं, समझ लो। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और रिवर देख लो साइड में, स्ट्रीम बह रहा है। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस दोस्तों। यही है क्या? अबे यही नहीं है, हर्षा अबे ये नहीं है, इसके नीचे से गाड़ी जाती है। अबे ये नहीं है, अबे देख इधर आ, तो गांडलिया, अबे पागल है औरत। अबे कोई नहीं यहाँ से, सच में यार, यू आर जस्ट अ बैल मैन। हैव यू एवर सीन अ बैल? वाह यार कैसा रोड है, देख सकते हो पूरा फुल मून है दोस्तों, और ये राइस टेरेसेस। तेगांग लांग लांग लांग।